चाय बहुत बढ़िया बनाई है। तेरे को एक चीज और बताऊं, आज एक लड़की ने हमारी गाड़ी ठोक दी थी। सच्ची? हाँ। ओ भाई हवा देख, हवा आसमान में बादल और नीचे बहुत ही तेज हवा। हो सकता है थोड़ी देर में बारिश चालू हो जाएगी। और आज ऐसा लग रहा है बहुत सारे हमने काम कर लिए, काम हमने कुछ भी नहीं करा। पूल में नहा के ऐसी थकावट हो गई है। जब हम छोटे होते थे फन एंड फूड विलेज जप्पू घर जाते थे ना, तो वहाँ पर भी वहाँ से आके ऐसा होता था, तो कितने थक गए हैं, तो खेल खेल के थक गए हैं। अभी हमें एक आधे काम से जाना है और बड़े सारे बंदे पूछे थे ना हमारी रेंज रोवर कहाँ है, अभी वो भी दिखाते हैं। चले भाई, चलो 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 चलो, बारिश तेज हो गई है। जब तक हम नहा रहे थे तब तक कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, और जैसे ही नहा के हम साइड हुए ना, भाई साहब आतंक। कह रहा गाड़ी की चाबी गाड़ी में नहीं है। भाई गाड़ी में ही क्या कर रहा है, चाबी दिखाना जरा। देख ले चाबी, ले भाई ये देख ले चाबी, गाड़ी में ही है वो, जस्ट आ। और काफ़ी बंदे पूछे थे हमारी गाड़ी कहाँ थी। गाड़ी में मैंने बताया था कोई सेंसर का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से ना पिकअप नहीं ले पा रही थी, 50-60 की स्पीड से ऊपर जाती नहीं थी। वो इशू रिजॉल्व हो गया, इसलिए गाड़ी हमारे पास वापस आ चुकी है। ये हम पहुंच गए हैं हमारे पुराने ऑफिस। मतलब जब भी यहाँ पर आता हूँ ना अपने ऑफिस की याद आ जाती है, लेकिन अभी तो भाई सबकी छुट्टी चल रही है। वैसे तो मैंने ऑफिस ये वाला छोड़ दिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं भी छोड़ा उनकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं, और पता नहीं छुट्टियाँ खत्म कब होगी। लोग अपने ऑफिस को मिस करते होंगे जितने भी साइबर सिटी में जॉब करते हैं ना। भाई देख लो, यादें ताज़ा कर लो अपनी। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो, कितने का फ्लोर है यहाँ पर? एक 15 करोड़ से स्टार्टिंग है और 25 करोड़ तक है। ठीक है ठीक है भाई, करते हैं अपने सारे रिश्तेदारों से बात करते हैं, सारे मकान मकून बेच के अपना एक फ्लोर यहाँ ले लेते हैं। हमारी गाड़ी पर निशान आया ही नहीं, नहीं बच गई अपनी गाड़ी और उनका तो बम्पर उतर गया। अभी एक सीन हो गया, अंदर पहुँच के बताते हैं। चाय बहुत बढ़िया बनाई है। तेरे को एक चीज़ और बताऊँ, आज एक लड़की ने हमारी गाड़ी ठोक दी थी। सच्ची? हाँ। है? जिसने हमारी गाड़ी ठोकी ना उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। जीजू कैसे ठोकी थी? आई सीधा ठोक दी, आई हम मोड़ रहे सीधा आके मेरे बम्पर में मारा पीछे वाले। कह रही है आपको देखा। तो मैंने विंडो खोली, मैंने लगा ये गाड़ी ठोक दी आपने। कह रही तो आपने देखा नहीं? मैंने बोला देखा नहीं भाई, आपने आगे सीधा मार दी, मैंने क्या देखना है इसमें, देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उस बेचारी का आगे ना बम्पर ही उतर गया था। आई टेन थी ना, रेड कलर की आई टेन थी, और आगे वाला बम्पर ना लटक गया। वो भी गाड़ी से उतरी नहीं, क्योंकि उसको पता था उसकी गलती है, वो अपनी गाड़ी से उतरी नहीं, हम भी नहीं उतरे, हमें पता था हमारी गाड़ी को कुछ होना ही नहीं, हमारी गाड़ी पर स्क्रैच भी नहीं आया, बेचारी का बम्पर उतर गया। अच्छा ये देखो क्या क्या दोबारा बोली ये चीज, तो यार उसको कुछ हेल्प करनी चाहिए। मतलब रोड पे हम चल रहे हैं, खड़ी गाड़ी में आके उसने गाड़ी ठोक दी, तभी मैं इसको बोल रहा था, मैं तेरे को एक चीज बतानी है, मुझे पता था यही बोलेगी। खड़ी गाड़ी में उसने मार दी, अपना बम्पर उतार लिया, फिर हम उसको बोलते पैसे हम देते हैं ठीक करा लो, यही तो करना है और तो कुछ बचा ही नहीं है। यार लड़की थी, उसकी साइड भी तो लेनी चाहिए ना। चल ठीक है, ये चाय बहुत बेकार बनाई है, पहले मैं कह रहा था अच्छी बनाई है, अब बहुत बेकार हो गई है। अच्छा चल ठीक है ठीक है, सुन उसके ऊपर कहावत बता दो पंजाबी के अंदर, साडा कुछ गया नहीं होता कुछ रहा भी। बोलेगा बहुत देर बाद। कब बोलेगा मुझे क्या पता, क्या बोलेगा? शंकी जी के छोरे। कह रहा है एक गाना है, पता नहीं कौन सा परिंदे, कह रहा है शंकी जी के छोरे, ये थोड़ी बोलेगा इसके अंदर, शंकी जी के छोरे गाना है। अच्छा शंकी जी के छोरे टोप के गोले। भाई इसने ये गाना ध्यान से सुना हुआ है, मैं बोलूं कौन सा गाना गाई जा रहा, बड़ी देर हो गई यहाँ खड़े खड़े गाई जा रहा, शंकी जी के छोरे शंक, मैं भाई मेरे कौन से छोरे, तूने गाना कहाँ सुना था? हैं कहाँ पर? YouTube। कहाँ पर? YouTube में। मेरी वीडियो देखता है YouTube में? नहीं मेरी वीडियो नहीं देखता। शंकी जी के छोरे, पता नहीं कौन कौन से गाना सुन रहा है, कौन मिलने आया है, सब्सक्राइबर आया बात। ओ भाई साहब अभी इधर दिखाना, ऊपर दे एक सेकंड, यूट्यूब बैनर साहब। अच्छा सर रुक जाओ रुक जाओ, साहब की तो रहने दो। ओए एक बार तो दिखा दे, कोरोना से लड़ने के लिए यही मास्क है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी यहाँ पर आ जाओ, पहले बाहर ही आ जाओ, जो आया था वो मिलके चला गया और मेरे ऑटोग्राफ भी लेके गया। अच्छा तो लगता है जैसे कोई ऑटोग्राफ लेता ना, मतलब मेरे को लगने लगा था अमिताभ बच्चन बन गया हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर से आएंगे, हेलो हेलो करेंगे। अंदर कहाँ से गए हो? अगर हम लाइट जला दे बहुत बढ़िया,
क्या पहली बार आए हो? पहले बैटिंग तो मैं करूंगा। मैं पता क्या करता था, मैं बैटिंग करता था और भाग जाता था। मैं भी यही करता हूँ। देखो जिसको मेन क्रिकेट खेलना होता है वो ये करता है, बैटिंग करते जैसे फील्डिंग आती गायब घर। ये किसका? मेरा थर्ड। और किसी की नहीं बतानी अब। ये किसका? थैंक यू भाई जी। ठीक है सेकंड फिर बता रहे हो, बताना नहीं आता। ओके ठीक है भाई रेडी हो? ओ भाई साहब अगर मेरे को कुछ हॉरर करना तो क्या करूं? मैं कह रहा हूं सामने बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, मंजे बिछा के सो जाओ। ले अपने लिए क्या, हम तो भाई कहीं मंजे बिछा के सो जाएंगे। शर्त लगा सही में आज आपको दिखाएं। नहीं नहीं देखना नहीं, शर्त लगा 1,00,000 रुपए की, आज रात को वहीं सोऊंगा। नहीं सो जाओ मेरे को ना, सो जाओ नहीं शर्त के चक्कर में। बेटा पहले 1,00,000 रुपए दिखाओ। दिखाओ क्या पहले आप सो फिर दिखाएंगे। आप जीते रहे अच्छा लगा। और आपकी पर्ची निकाल ली आपने? हाँ ये नहीं पर्ची। चलो ठीक है चाय रस्ते में पी लेंगे, आ जाओ। प्रीति लॉक लगा ले। तो अभी थोड़ा नींद में लग रहा हूँ और नींद में है अभी, रात को 3 बजे सोए थे, सुबह 7 बजे फिर उठ गए हैं बिकॉज आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। जीजू पहले करा चुके हैं, इन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट भी ले ली थी तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी करवाई लेता हूँ, काम खत्म करता हूँ। नौ बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी और 9 बजे हम घर से निकल रहे हैं। शहनशाह आदमी शहनशाह। एक्चुअली सीन ऐसा है ना, उठे तो हम 8:30 बजे हैं, अलार्म लगा दिया था सुबह 7 बजे का, अलार्म बज के कभी हम स्नूज कर दे कभी बंद कर दे। आपने 7 और 7:20 का लगाया था ना? मैंने 7:30 का लगाया था, 7:45 का लगाया था। पहले इनका अलार्म बजता रहा फिर मेरा अलार्म बजता रहा, मतलब भाई किसी तरह उठना है, नींद तो हमारी 11 बजे तक खुलती नहीं है। रात को 3 बजे सोएंगे तो सुबह 7 बजे कैसे नींद खुलेगी, लेकिन किसी तरह उठ गए। मतलब भाई ये काम जरूरी है, करवा लो इसको जितनी जल्दी करवा लो। और आपसे भी यही सलाह है भाई, जिन जिन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई लगवा लो इंजेक्शन टाइम से। देखो आने वाले टाइम में मेरे को जहाँ तक लग रहा है यही होने वाला है कि ट्रैवल आप कर ही नहीं पाओगे, मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे, इंटरनेशनल तो दूर की बात है। अगर स्टेट टू स्टेट ट्रैवल भी करना है ना आपको, तो आपको दोनों वैक्सीनेशन जरूरी होंगी, है ना? बिल्कुल जरूरी होंगी। एक्चुअली सीन क्या है ना, हम 3 दिन से अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे थे कि अपॉइंटमेंट मिल जाए। जब से जीजू घर पे आया हूँ मिल ही नहीं रही थी, आज की इस तरह मिल गई है और वो भी मिली दिल्ली में। पहले हम गुड़गांव को ही देख रहे थे, गुड़गांव का ढूंढा था ना आपने, कहीं अवेलेबल नहीं था, फिर हमने सोचा चलो भाई दिल्ली मिल रही है लगवा के खत्म करते हैं। फाइनली हमें पहली वैक्सीन लग चुकी है। आपको कितने दिन पहले लगी थी? मुझे 15 दिन पहले लगी। ओके अभी जो मेरे को सेकंड लगनी है वो लगेगी 23 अगस्त के बाद जब मर्जी लगवा सकता हूँ सितंबर तक। लेकिन जहाँ हम गए थे ना बीएल कपूर, बहुत बढ़िया फैसिलिटी थी, बहुत बढ़िया तरीके से बिठा रखा था। 900 पर पर्सन लगते हैं, 900 रुपए आप वहाँ पर ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो, वहाँ जाके कैश या कार्ड से भी दे सकते हो, लेकिन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सीधा वहाँ चले जाओ 900 रुपए लेके आपको वहाँ पर इंजेक्शन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अपॉइंटमेंट हमने ऑनलाइन ली थी, 3 दिन से ढूंढ रहे थे कहीं मिल नहीं रही थी, हमने सोचा दिल्ली की लेते हैं लेकिन काम नहीं पड़ गया, अच्छा हो गया। आज तो तेरा दांत निकालेंगे, है ना? निकाल दे दांत आज। ये किसको लेके आया दोस्त को दिखा? टोटो। क्या नाम है इसका? टोटो। टोटो दिखा एक बारी। अच्छा जैसे हमारा कोको है ये इसका टोटो है, इसको साथ लेके जाना है। अब इसका नाम कोको है या टोटो है? टोटो है पक्का। तो अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, आज हमारा पूरा दिन गाड़ी में निकलने वाला। एक चीज़ और बता दूं, जो हम वैक्सीन लगवा के आए ना वो है कोविशील्ड। एक कोवैक्सीन आती है, कोविशील्ड आती है। कोवैक्सीन को जीजू बता रहे हैं कि अब्रॉड जाने की परमिशन अभी नहीं मिली है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर भी ना मिले, इसलिए इन्होंने कोविशील्ड ही लगवा दी। कल को इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो जा तो पाए इजिली। जो हमारी वीडियो को डिसलाइक करेगा ये काटेगा उसको। तो भी क्या सीन है ना, अगर आप मेरे टीथ में देखोगे ना यहाँ पर
बस बस इतनी पास से मत दिखाओ, थोड़ी ना येलोनेस आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, थोड़ी पीछे दांतों में कैविटी भी है और ये येलोनेस जो है ये हट सकती है, इसके लिए 15-20 मिनट लेंगे, कुछ वही डॉक्टर ही बताएंगे क्या करने वाले, मुझे तो आइडिया नहीं, तो मैंने बोला लगे करी दो। अच्छा डॉक्टर हेलो, तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं? इसके लिए हम क्लीनिंग करने वाले हैं दांतों की। ओके और ये डिपॉजिट्स यूजली दांतों के ऊपर जम जाते हैं, तो हम इसको क्लीन करेंगे और पॉलिश करेंगे तो दांत दोबारा से वाइट हो जाएंगे और शाइन आ जाएगी थोड़ी सी। ओके तो बेसिकली आए तो हम यहाँ पर कीरत के लिए थे, लेकिन ये जो सर है ये मेरे सब्सक्राइबर ही है, हमारी वीडियोज देखते हैं, तो इन्होंने मेरे को पहचान लिया, तो मैंने सोचा कि यार जब पहचान लिया तो कुछ काम मैं अपना भी करवा ही लेता हूँ लगे हाथ। तो इसको कितना टाइम लगेगा? लगभग 20-25 मिनट। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेल भी आते हैं कि भाई तुम्हारी स्माइल ना एक नंबर है, और बढ़िया स्माइल पीले दांतों के साथ नहीं सफेद दांतों के साथ। थैंक यू डॉक्टर। कीरत के टीथ निकाले आपने? नहीं निकाले, छोड़ दिया आज? ना आज तो छोड़ गए थोड़े। अरे एक दो टीथ तो निकाल लेते कम से कम। ओके थैंक यू डॉक्टर। पहले मैं सोचा था टोटो के भी 2-3 दांत निकलवा देता हूँ, लेकिन इस बेचारे ने तो मुंह ही नहीं खोला अपना, और हमारा काम जो हो गया वो बढ़िया हो गया। पहले मैं सोचा था घर पे बैठ के वीडियो एडिट कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि हाँ वहाँ चले जाते हैं, 15-20 मिनट का काम है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन अपना काम एकदम कहते हैं ना फ्री हो गया। वो हमारे सब्सक्राइबर निकले हैं, मैंने उनसे सिर्फ पूछा ही था कि हाँ भाई ऐसे यहाँ पर ना नीचे येलोनेस आ रही है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कह रहे कैसे क्या, 15-20 मिनट बैठो अभी कर देते हैं और फुल डिस्काउंट। मतलब जो भी थे अच्छे थे, अभिनव उनका नाम था, बहुत बहुत शुक्रिया अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो। पहले ये बताओ ये जबरदस्ती फोटो खिंचवाई जा रही जीजू से, खिंचवा रहे हैं आराम से? जबरदस्ती यार, जबरदस्ती क्या, जबरदस्ती फोटो खिंचा रही है बीवी के साथ, तो फोटो खिंचवा रहे हो? और पहली बार नहीं हाँ। ये आज फोटो खिंचवा करी, बता दो तो कितने दिनों बाद नहीं है? चुप रह ले, नहीं कहा है? अच्छा आज भी नहीं, ऐसी मेकअप कर लिया, खाली मेकअप कर लिया, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। मतलब लेंस भी किया तूने? मतलब लेंस लगा ली है, फोटो खिंचवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं आज नहाया नहीं हूँ, पूरा दिन नहीं हो गया, नहीं नहाया। तो मेकअप तो करूंगी ना, अगर आपको एक पोज या एक वीडियो में आना है या एक फोटो क्लिक ऐसे क्यों नहीं, हमने तो नहीं किया मेकअप, हम तो दाढ़ी खोल के आ गए। थोड़ा सा फिनिशिंग तो देनी पड़ती है। पता क्या होता है, छोड़ो जीजू छोड़ो इसको, जो जेन्युइन बंदे होते हैं ना वो जेन्युइन ही होते हैं, हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं। देखो जो शहनशाह होते हैं वो शहनशाह ही होते हैं, हमें क्या मेकअप की जरूरत। करो चार चार दिन एक ही चीज पहने रखते हो, उतार देते हो, पर अच्छा, रोटी 4 दिन के बाद तो करते ही हो ना, भूख लग रही है बहुत। मिलेगा कपाल आसन, शरीर अकड़ गया, लाश बन चुकी लाश। एक बार इधर ऊपर देखियो, स्माइल तो मार, वाकई पतली हो गई यार, काफी पतली हो गई है, इधर नीचे चली गई है। हर्षा मार खाएगा मेरे से, मोनो मत कर यार, मैं तमीज़ी मत करो, मेरे को फिर डांट पड़ेगी सामने से। चुप चुप भाई, मेरी ना हंसी नहीं रुक रही है। अभी मेरी बहन योगा कर रही थी और योगा करके वहीं पर सो गई है। मतलब योगा करने का फायदा क्या, करके सो जाओ तो वो कुछ भी कर सकती है भाई। आओ एक बार दिखाता हूं, सुन लिया ये क्या कर रही है? भाई ऐसे योगा का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है क्या? नींद आ रही है? भाई जुबान लड़खड़ा जाती है। चेयर्स करो जीजू, ले बेटा चेयर्स कर। ठीक है भाई, ये कैसी आवाज आई थी, लाइट जाने वाली है मेरे को लग रहा है, कैमरे का। चलो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पता नहीं चल रहा कब वीडियो शुरू कर रहे हैं कब एंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ भाई बहुत मजे आ रहे हैं और मुझे यही पता है आप लोग भी हमारे साथ साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो। और ऐसे ही जितने दिन मैं यहाँ रुका हूँ, 1 दिन रुकता हूँ, 2 दिन रुकता हूँ, 10 दिन रुकता हूँ, महीना रुकता हूँ, उतने दिन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि रोज के रोज वीडियो डालते रहूँ, हम भी एंजॉय करते रहे, साथ में आपको भी कराता रहूँ।
बस आज के लिए काफी है, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, ये मेन चीज है, कमेंट करके बताना, बिकॉज जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं ना वो आपके कमेंट के ऊपर ही बनाने वाले, कि कैसे कैसे आप कमेंट करते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।